है गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीआई ओटीपी नॉट रिसीव, वीआई ऐप ओटीपी प्रॉब्लम, वीआई ऐप में ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन आप किस तरीके से कर सकते हो, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से अपन को बैक आ जाना है। तो गाइस यहाँ पर अपन बैक आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर वीआई ऐप ये है, तो गाइस इसमें आपका मैसेज मतलब कि ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको मतलब कि यहाँ पर आपको वी आई ऐप है, तो गाइस यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पर वी आई ऐप लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है, और गाइस इसमें आप अगर आपको अपडेट मिल रहा है तो अपडेट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको वी आई ऐप पर लॉन्ग प्रेस किए रहना है। किए रहने के बाद यहाँ पर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाना है, और गाइस यहाँ पर स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाने के बाद क्लियर कैसे कर देना है और क्लियर डाटा कर देना है, यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पर आपको परमिशन वाले ऑप्शन में जाना है और सभी की अलाउ परमिशन दे देनी है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो सभी की अलाउ परमिशन आपको दे देनी है, एक भी नॉट अलाउड परमिशन में नहीं रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर जो भी मैसेंजर आपके है मतलब मैसेंजर पर लॉन्ग प्रेस किए रहना है। यहाँ पर मैसेज पर लॉन्ग प्रेस किए रहे जिस पर आपका ओटीपी आता है उसके पर क्लिक रहना है, लॉन्ग प्रेस किए रहना है। इसके बाद ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉरेस्ट स्टॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फॉरेस्ट स्टॉप कर देना है। उसके बाद स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाना है, क्लियर के चेक कर देना है और क्लियर डाटा कर देना है। और गाइस जो भी मैसेज आपका आता है जैसे इस मैसेंजर वाले पर या मैसेज पर कुछ पर भी आता है, तो गाइस उसको मतलब कि आपको मतलब कि सही शॉट मतलब कि क्लियर कैचा और क्लियर डाटा कर देना है, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, वीडियो नॉलेज को लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।